लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है। लक्सर नगर में स्थित एक नर्सिंग होम में तैनात एक रेडियोलॉजिस्ट को कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह तेजी से फैल गई, जबकि लक्सर प्रशासन ने इस अफवाह को सिरे से नकार दिया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। लक्सर के अग्रवाल नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर यशपाल का बेटा अंकित अग्रवाल रुड़की में विनय विशाल नर्सिंग होम में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात है। कुछ दिन पहले रुड़की के इकबालपुर के रहने एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड किया था, बाद में ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अंकित को रुड़की में फैसिलिटी क्वारंटीन और उसके परिजनों को घर में ही क्वारंटीन कर दिया। लक्सर के प्रभारी डेली ओपीडीज हो रही हैं और इंडोर पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। बाकी हर चीज़ का जैसे भी सरकारी गाइडलाइंस उस हिसाब का सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर पालन हो रहा है। सभी स्टाफ को यूनिफॉर्म प्रॉपर दी गई है, सैनिटाइजेशन होता है, हैंड ग्लव्स वगैरह है, मास्क हैं, और जो पेशेंट आते हैं उनको ये भी विशेष तरीके से ध्यान दिया जाता है कि हर चीज़ का वो पालन करें। ये रुड़की में एक विनय विशाल हॉस्पिटल है, जिसमें से एक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट था, वो डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं लक्सर के। डॉक्टर यशपाल अग्रवाल के बेटे हैं और उस पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आया। वो पहले से उसका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके संदर्भ में ही उनको हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन के लिए CBRI उसमें गेस्ट हाउस में उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। और उनके फादर को भी स्वेत ही वो भी चाह रहे थे कि हमको भी क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो हमने उनकी फैमिली को भी होम क्वारंटाइन किया हुआ। ये रूमर्स फैल रही कोरोना हो गया ये हो गया, तो सब भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, ऐसा फैलाना नहीं चाहिए। तो ऐसे विकट समय में सब लोगों को एक दूसरे से थोड़ी सहानुभूति भी रखनी चाहिए। हॉस्पिटल खुला हुआ है? हाँ, हॉस्पिटल उनके यहाँ कई डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर अपनी OPD कर रहे हैं, जनरल OPD चल रही है, उनके सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर साहब को 14 दिन के हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया हुआ है। देखिए, इससे तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। जो व्यक्ति एक रुड़की से रिलेटेड जो व्यक्ति था वो पॉजिटिव पाए गए, ना कि लक्सर से था। और जो रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पर मिस्टर अंकित अग्रवाल, उनके द्वारा रुड़की में ही उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया था रुड़की वाले हॉस्पिटल में। तो इमीडिएटली मैसेज आने के बाद एक तो जो रेडियोलॉजिस्ट है जो अग्रवाल जी हैं उनको आइसोलेशन के लिए और क्वारंटाइन के लिए रुड़की भेज दिया गया है, और उनके जो मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर उनको भी इमीडिएटली क्वारंटाइन कर दिया गया है घर में, जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो अंकित जी थे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, तो उनको रुड़की भेज दिया गया है। और ये क्लियर है कि पॉजिटिव केस कोई भी लक्सर से रिलेटेड नहीं है, वो संबंधित व्यक्ति रुड़की से बिलोंग करता है, और उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो यहाँ पे भी उनका क्लिनिक का एक रेडियोलॉजिस्ट जो रूम था उसको भी इमीडिएटली बंद करवा दिया गया, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस से और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उसके अनुसार की जाती है। सर, जैसे अफवाह अगर देखें जैसे कंप्लीटली स्टूपिड थिंग्स की अगर कोई व्यक्ति ये मैसेज कर रहा है कि जो रेडियोलॉजिस्ट मिस्टर अग्रवाल जी थे वो पॉजिटिव पाए गए, तो ये बिल्कुल गलत है। वो प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा उनका अल्ट्रासाउंड किया गया था रुकी जाकर, तो उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन कर दिया गया। बाकी बिल्कुल जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है घर में ही। ये बिल्कुल गलत खबर है। अगर इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आता है किसी भी माध्यम से, तो उसके खिलाफ इमीडिएटली